नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने थाइस को मोटा और मजबूत बनाने की एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बना रखी है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां पर जाकर के उस वीडियो को देख करके भी अपनी थाइस को मोटा और मजबूत बना सकते हैं। तो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आपको करनी हैं अपने थाइस को मोटा और मजबूत बनाने के लिए। तो हमारी जो सबसे पहली एक्सरसाइज होगी, उसको करने के लिए आपको एक सिलेंडर ले लेना है। जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो सिलेंडर इस्तेमाल में लिया है वो बिल्कुल खाली सिलेंडर है, इसमें गैस नहीं भरी हुई है। इस सिलेंडर को कुछ इस प्रकार से आपको ले लेना है और इस प्रकार से आपको कंधे पर रख लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे। इसके बाद अब आपको कुछ इस प्रकार से ये एक्सरसाइज करनी है। जी हाँ, कुछ इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब एक्सरसाइज है ये अपने थाइस को मोटा और मजबूत बनाने के लिए। जी हाँ, इसमें आपको एक चीज़ बहुत ध्यान देनी होगी कि जब आप इस सिलेंडर को अपने कंधे पर रखे होते हैं तो उस समय आपका शरीर का जो बैलेंस है वो बहुत बिगड़ता है। तो आपको एक चीज़ ये ध्यान देनी है कि आपका जो बैलेंस है शरीर का वो बिगड़ने ना पाए। जी हाँ, इसी प्रकार से आपको ये करनी है एक्सरसाइज। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है ये। इसमें आपको रेपिटेशंस की कोई लिमिट नहीं होती है। आप चाहे तो 100 रेपिटेशंस लगाएं या फिर 200 भी रेपिटेशंस आप इसमें लगा सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपने पैरों को कुछ इतना फैला लेना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपको कुछ इस प्रकार से नीचे आना है, 1 सेकंड का होल्ड देना है, फिर ऊपर उठ जाना है, फिर से नीचे आना है, 1 सेकंड का होल्ड दीजिए, फिर ऊपर हो जाइए। इसी प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है अपने थाइस को मोटा और मजबूत करने की। जी हाँ, इस प्रकार से आप एक्सरसाइज घर पे कर सकते हैं और अपने थाइस को मोटा और मजबूत बना सकते हैं। इसमें आपको बस एक चीज़ ध्यान देनी है कि आप जितने ज़्यादा हो सके उतने रेपिटेशंस लगाएं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि लेग एक्सरसाइज में रेपिटेशंस की कोई लिमिट नहीं होती है। अब तीसरी एक्सरसाइज में आपको कुछ इस प्रकार से अपनी पोजीशन बना लेनी होगी जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपको कुछ इस प्रकार से नीचे बैठना है, 1 सेकंड का होल्ड करना है, फिर से ऊपर उठ जाना है, फिर से आपको नीचे बैठना है, फिर से ऊपर उठ जाना है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है ये अपने थाइस को मोटा और मजबूत बनाने की। जी हाँ, इसी प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज दोनों ही पैरों से करनी होगी, ठीक है। जब आपका इस पैर से हो जाए तो उसके बाद आप पैर चेंज कर लीजिए। इसके बाद इस प्रकार से, जी हाँ, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब एक्सरसाइज है ये आपके पैरों को मजबूत करने की और अपने थाइस को मोटा करने की। तो अब इस चौथी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है देखते रहिएगा। इस प्रकार से आपको खड़े रहना है, फिर इस प्रकार से, जी हाँ, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको ये चौथी एक्सरसाइज करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब एक्सरसाइज है ये अपने थाइस को मोटा और मजबूत बनाने की।